सुल्तानपुर पट्टी में महिला आयोग की उपाध्यक्ष व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का समाज सेवा उत्थान समिति व भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसी क्रम में महिला आयोग की उपाध्यक्ष व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शायरा बानो ने मंडल स्तर पर चल रहे महिला जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि शायरा बानो 3 तलाक के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने वाली क्षेत्र की पहली महिला है। वहीं महिलाओं को जागरूक करते हुए शायरा बानो ने कहा कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ अंकुश लगाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे 3 तलाक की शिकायत के समाधान के लिए मुस्लिम महिलाओं के प्रति सजग रहते हुए कार्य कर रही हैं। सुल्तानपुर पट्टी से ज्योति स्वरूप अग्रवाल की रिपोर्ट। नहीं है, कोई भी पार्टी अगर ऐसा कर रहा है तो मतलब बोल रही है तो ये गलत है। और क्या कहते हैं, जो हमारी जो सरकार है, क्या कहते हैं, महिलाओं के वेलफेयर के बारे में, उनके कल्याण के बारे में, उनकी जागरूकता के बारे में और उनके क्या कहते हैं अधिकारों के बारे में हमेशा सोच रही है। जैसे ट्रिपल तलाक का मामला था और ये बहुत ही गंभीर समस्या थी मुस्लिम समुदाय में, उसको विनाश करने में बहुत ही योगदान हमारी सरकार ने दिया है, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, महिला जागरूकता शिविर आज चलाया गया है सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में। और यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हम यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दें और जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बताएं और उनका लाभ जो है महिलाएं उठा सकें।